टीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद मैगजीन घाट निवासी नवीन शर्मा की गला घोटकर हुई हत्या। मृतक के शिनाख्त मैगजीन घाट निवासी नवीन शर्मा के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई 3 दिनों से घर से लापता था। परिजनों ने बताया कि नवीन शर्मा मसाले की सप्लाई का काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले कोना थाने में इसकी रिपोर्ट लगाई गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के भाई ने बताया कि पड़ोसियों के कहने पर टिपको के अंदर बने सुनसान जगह पर जब देखा गया तो कुएं के अंदर उसकी लाश मिली। मृतक के भाई ने बताया कि क्षेत्र के ही कुछ लोगों पर उसका शक है। आपको बताते चलें कि पीते पहले भी टिपको के अंदर युवक का शव मिल चुका है। इसके बाद ये दूसरी घटना है, लेकिन टिपको को लेकर प्रशासन अभी भी नहीं जग रहा। SDCP बेस्ट ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई तय है। जनपद कानपुर से सोनिया गुप्ता की रिपोर्ट। अंकित शर्मा, क्या हुआ? 22 तारीख से नवीन शर्मा लापता थे। पुलिस को सूचना भी दी गई थाना कोना में 22 तारीख को 4 बजे। कल 23 तारीख को थाना में कोना में 4 बजे दिया गया रिपोर्ट, FIR की गई। उसके बाद कोई सूचना कुछ नहीं देने आए। यहाँ के एक यहाँ पे रहते मोहल्ले में मसाला बेचते हैं, उनके थ्रू पता गया कि आपके लड़के ने किसी को मार के यहाँ डाल दिया अंदर, और चले ढूंढते हैं। हम लोग उसके कहने पर यहाँ ढूंढने आए तो ये देखा यहाँ मार के डाल दिया गया। लोहार है एक यहाँ पे मसाला बेचते हैं, उनके ऊपर पूरा शक है। क्या करते हैं आपके? हम भाई क्या वो मसाला की सेल्समैन ही करता था यहाँ पे। कब से लापता थे ये? 22/7 से 23 तारीख से 2:30 बजे से लापता थे। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। कैसे जानकारी हुई कि हमने कई बार फोन किया स्विच ऑफ था, मोहल्ले से पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद आज ये आए यहाँ पे, क्या नाम था, भरत के पिताजी, एक भरत है उनके पिताजी, वो कहते हैं यहाँ पे चलो ढूंढे चल के यहाँ पे बोला। यहाँ पे हो सकता पड़ा हो। वो हमको लिवा के लेके आए थे, उनके कहने पे यहाँ पे आए तो देखा यहाँ पे किसी ने गड्ढे में डाल के मार के रहमी से मार दिया उनको। व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई थी। आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि उसी व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या करता था लड़का जिसे डेड बॉडी मिली हुई है? अभी तक की जानकारी के अनुसार लड़का की उम्र 30 वर्ष है और ये मसाला का काम करता था। कुछ रंजिश की तथ्य सामने में आ रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है।